सभी लोग को ऐसे ही 10 दिन का ही टाइम लेना पड़ता है और ये आराम से आ सकते हैं। नहीं नहीं, वो अपने हिसाब से आ सकते हैं, सब फ़ोन नंबर वेबसाइट पे अवेलेबल है और हमारी ओपीडी भी दिल्ली भी चलती है, हमारी ओपीडी लखनऊ भी चलती है, इवन हमारा सेंटर लखनऊ में है तो कई नेपाल की जगह है, लखनऊ तो काफ़ी नज़दीक है। लेकिन सभी सभी तो डॉक्टर विक्रम ही खोजते हैं ना? ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है कि हमारी जो हॉस्पिटल मोहाली में है या जयपुर में है, तो हमारे यहाँ शेल्बी में ट्रेन हुए डॉक्टर 5-5 साल यहाँ काम किया है, वो है उतना ही एफिशिएंट है, वो अच्छा बढ़िया काम करते हैं सबके साथ। अच्छा। तो ऐसा ही काम लखनऊ में हो रहा है, तो नेपाल बॉर्डर पे ही है लखनऊ, वहाँ से 200 किलोमीटर है हार्डली, तो काफी लोग जो अहमदाबाद नहीं आने चाहते वो लखनऊ में करा सकते हैं। जैसे आदमी लोग वहाँ से यहाँ आने के लिए समझिए अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, नहीं ले रहे हैं और वो लेने नहीं ऐसे ही आ गए, तो कैसे मिलेंगे आपसे? मैं मिलता हूँ, मैंने आज तक कोई भी मरीज विदाउट अपॉइंटमेंट आया है तो मैंने ना नहीं बोला है, उनको थोड़ा बैठना पड़ता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है कि अपॉइंटमेंट नहीं ली है मैं नहीं देखूंगा। मैंने विदाउट अपॉइंटमेंट पेशेंट को देखा है, विदाउट अपॉइंटमेंट पेशेंट का सर्जरी किया है, मैं संडे भी आके ऑपरेशन किया है, ऐसा नहीं है कि भाई अभी टाइम नहीं है, नहीं पेशेंट को ठीक करके ही भेजने का, एक बार मेरी चौकट पे आया तो ठीक हुए बिना घर नहीं जाने का। कभी कभार इमरजेंसी पड़ जाता है आदमी, अपॉइंटमेंट भी लेने को उसके टाइम नहीं है, ऐसे वक्त में क्या कर सकते? वो इमरजेंसी तो 24 घंटे चालू रहती है हमारे यहाँ, वो कभी भी आ सकते हैं। तो ऑपरेशन के बाद किसी कारणवश किसी को MRI करना पड़ेगा या CT स्कैन करना पड़ेगा, तो वो कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं, MRI CT स्कैन कुछ भी हो सकता है, ये एकदम कॉम्पिटिबल मेटल है, ये सुपर एलॉय है, कोबाल्ट क्रोम मोलिब्डेनम सुपर एलॉय है, तो वो पूरा का पूरा कॉम्पिटिबल विथ MRI एंड CT स्कैन।